मंत्री नितिन गडकरी की अवधारणा के साथ नागपुर शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की गई है। इन अच्छी परियोजनाओं में से एक प्रसिद्ध फुटाला तालाब की प्राकृतिक सुंदरता को और अलौकिक सुंदर बनाना है। इसके तहत फुटाला में पानी पर तैरता दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया है। इसके अलावा नागपुर के लोग भी लाइट शो देख सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में इस प्रोजेक्ट का पहला प्रदर्शन पूरा हो गया है। सुरम्य संगीत की धुन पर तालाब का पानी फवारे के माध्यम से नाचेगा। फुटाला तालाब के म्यूजिकल फाउंटेन को दुनिया का सबसे ऊंचा म्यूजिकल फवारा माना जा रहा है। इस संगीतमय फवारे के साथ संगीत महान संगीतकार AR रहमान का है। इस परियोजना को साकार करने के लिए केंद्र सरकार के सड़क कोष से 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। एक बार में 4000 प्रेक्षक एक साथ इस शो का लुत्फ उठा सकेंगे। नागपुर के गौरवशाली इतिहास को मराठी में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर, हिंदी में गुलजार और अंग्रेजी में महान अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज़ में एक कमेंट्री के रूप में सुना जाएगा। इसके अलावा संगीतकार AR रहमान द्वारा रचित एक सिग्नेचर ट्यून को मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लोकप्रिय फिल्मी गानों की थाप पर पानी को नचाया जाएगा। नितिन गडकरी ने इस अवसर पर अपनी यादों को ताज़ा किया और कहा कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो क्लास में बोर होने पर अपने दोस्तों के साथ फुटाला लेक आता था। मैं अपने दोस्तों के साथ चाय पीता था। इस जगह पर कितने घंटे गुजर जाते थे इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। इतिहास का कोई किनारा नहीं होता। एक शुरुआत ढूंढो तो उसके पीछे एक और शुरुआत मिल जाती है। हर शुरुआत के पीछे कई शुरुआत होती हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई क्षितिज को यानी होराइजन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, जो कभी हाथ नहीं आता, वो आगे ही आगे चलता रहता है। फुटाला लेक के किनारे बैठकर हम अगर नागपुर का इतिहास छूने की कोशिश करें तो चलिए देखें कहां तक पहुंचते हैं। जिनका प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जिन सरकारी एजेंसी का सहयोग मिला है, उनके सब प्रमुखों का हमें मिला है। इसकी जो ट्रायल होने वाली है 8-10 दिन होने वाली है और हमने ये सोचा कि सबसे पहले नागपुर में अलग अलग लोगों को बुला करके दिखाए ताकि उनके कुछ सुझाव प्राप्त हो सके। अभी भी प्रोसेस में है। हम जहाँ खड़े हैं उसके आगे फाउंटेन के पहले एक 500 स्क्वायर फीट का स्टेज होगा और उस स्टेज में फाउंटेन के पीछे में एक बहुत बड़ा स्क्रीन है इलेक्ट्रॉनिक का जो पेड़ के रूप में है जिसमें उसकी प्रतिकृति दिखेगी। आज पहली बार ट्रायल की ये जो पूरी सिस्टम है साउंड सिस्टम इसको आज सिंक्रोनाइज किया गया। अभी मधु पांडे जी है, ये जो प्लेटफॉर्म ऊपर आएगा तो कवि सम्मेलन हो सकेगा। दरड़ा जी को मैंने कहा कि आपको पत्रकारों के लिए कोई विचार गोष्ठी लेनी है तो सुबह के समय 4000 लोग यहाँ बैठेंगे, वो कार्यक्रम यहाँ से हो सकता है। कोई बांसुरी या कोई म्यूजिक वो भी कार्यक्रम हो सकता है और विशेष रूप से केवल शादी और रिसेप्शन के लिए नहीं कंडीशन है, बाकी आपके लिए कोई भी हो सकता है। मैं एक छोटी अपील आपको करूंगा, इसके बाद तेलंगड़ी गार्डन है। कल ही हमने प्लान तैयार करके तेलंगड़ी गार्डन में एंट्री करने के पहले करीब 600-700 गाड़ियों का पार्किंग बना है।
और वहीं से चढ़कर आप डायरेक्ट यहाँ फाउंटेन में आओगे। उसका एक पूरा रूट बनाया है। और तेलंगिरी गार्डन में हम लोग वो पहले घोसले का लिए टैंक है, तो पानी में वो टैंक वैसे ही डेवलप करके हम कमल के फूल लगाने वाले हैं। और इसमें 265 कमल के फूल की जातियाँ हमने इकट्ठा की है। अगर आपके पास भी कोई होगी तो हमें ला के दीजिए, और वो भी गार्डन बहुत ही सुंदर होगा। इसके साथ साथ बाजू में जो बिल्डिंग बन रही है, जिसके अभी 3 बजे शायद पूरे हुए हैं, लेकिन मैं 10 से 12 बजे तक 8 बजे जा रहे हैं, क्योंकि 3 नीचे में है। तो ये 8 बजे में 30,000 स्क्वायर फुट का फुटबॉल होगा। और मैंने मेट्रो को कहा कि पहले नागपुर के फुटपाथ रोड पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी वीडियो फिल्म निकालो, वो कौन है, और वो अच्छे क्वालिटी का ड्रेस पहनकर उन गरीब लोगों को हम लोग उसमें देंगे। कूपन लेके लोग आएंगे और उनको रोजगार भी मिलेगा और गरीब लोगों को सस्ते में खाने के लिए मिलेगा, रस्ते मिलेगा। मुखमंडल पर स्वर्ण आभा, जैसे ललित नाम नितिन जी, शीश पर आशीष मंगल, चरण कमल प्रणाम नितिन जी, निर्जल से है निर्मल निश्चल, पूरी तरह ध्यान दें कैसे नितिन जी, निर्जल से है निर्मल निश्चल, निर्विकार निष्काम नितिन जी, पतित पावन सुखद सुहावन, बहुत प्यारा नाम नितिन जी, और जब जब इनके हो निहारो लगता चारो धम। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.